दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा सिंघू बॉर्डर पर हत्या का मामला। याचिकाकर्ता ने कहा कि कानून का खुलेआम उल्लंघन कर रहे आंदोलनकारी। जी आपको बता दें कि दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर किसानों के धरना स्थल के मंच के पास शुक्रवार को हुई एक व्यक्ति की निर्मम हत्या का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से इस निर्मम हत्या समेत पूर्व की कई घटनाओं का उल्लेख करते हुए प्रदर्शनकारी किसानों को हटाने की मांग की और पहले से दाखिल की याचिका पर शीघ्र सुनवाई की मांग की। याचिकाकर्ता स्वाति गोयल एवं संजीव नेवार की ओर से वकील शशांक शेखर झा ने अदालत से आवेदन कर शीघ्र सुनवाई की मांग की है। आपको बता दें कि आवेदन में कहा गया है कि केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे आंदोलनकारी कानून का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं, साथ ही वे कोविड-19 के दिशा निर्देशों का भी खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं, उसकी वजह से अन्य लोगों की जान पर खतरा मंडराने लगा है। याचिका में कहा गया है कि आंदोलन की वजह से रोजमर्रा की परेशानियों के अलावा कई अमानवीय घटनाएं सामने आई हैं। बता दें कि शुक्रवार को लखबीर सिंह नामक एक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया है। इससे पहले एक महिला के साथ बलात्कार हुआ, लाल किले की प्राचीर पर धार्मिक झंडा फहराया गया। प्रदर्शन के दौरान सरकारी और निजी संपत्ति को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने की घटनाएं हुई हैं। आपको बता दें कि झा का कहना है कि विभिन्न कारणों से रिट याचिका पर सुनवाई कई महीनों से टाली जा रही है। ये मामला व्यापक जनहित से जुड़ा हुआ है, लिहाजा इस पर तत्काल सुनवाई मांग अदालत से की गई है। और ये बड़ी खबर, सिंघू बॉर्डर लिचिंग केस में सरेंडर करने वाले निहंग को नहीं है कोई भी पछतावा, किसान मोर्चा ने की जांच की मांग। ये आपको बता दें कि सिंघू बॉर्डर पर चौंकाने वाली घटना में हुई हत्या के मामले में हरियाणा पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। अब इस मामले की आरोपी ने कहा कि उसे अपने किए का कोई भी पछतावा नहीं है। हत्या करने के कुछ घंटों के बाद निहंगों के नीले वस्त्र पहने एक व्यक्ति मीडिया के सामने आया, जिसने दावा किया कि उसने सिख पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को अपवित्र करने के लिए पीड़ित को सजा दी है और उसे मार डाला है। संयुक्त किसान मोर्चा ने इस मामले में जांच की मांग उठाई है। हत्या करने वाले सरबजीत सिंह ने बाद में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अपराधी ने और उसके सहयोगियों ने मीडिया कर्मियों के सामने कहा कि वे फिर से इस तरीके की चीजें करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई फिर से ऐसा अपराध करने की हिम्मत करता है तो वो फिर से ऐसा कदम उठाएंगे। जब आरोपी से पूछा गया कि क्या उन्हें अपने किए का कोई पछतावा है तो आरोपी सिंह ने कहा कि उसे ने किए का कोई भी पछतावा नहीं है। जब पुलिस ने उसे हिरासत में लिया तो वो जो बोले सो निहाल का नारा लगाते हुए गिरफ्तार हो गया। आपको बता दें कि अब संयुक्त किसान मोर्चा ने इस मामले में जांच की मांग की है। और ये बड़ी खबर, कांग्रेस की CWC की बैठक में G23 के नेताओं को सोनिया गांधी ने दिया करारा जवाब। कहा, मैं ही हूँ कांग्रेस की फुल टाइम अध्यक्ष। ये आपको बता दें कि कांग्रेस में घमासान के बीच आज सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। संगठन में बदलाव की मांग कर रहे कांग्रेस के उन बागी नेताओं पर निशाना साधते हुए G23 को सोनिया गांधी ने ये कहकर जवाब दे दिया है कि कांग्रेस की परमानेंट अध्यक्ष वही है। सोनिया गांधी ने कहा कि वो ही पार्टी की स्थायी अध्यक्ष है और उनसे बात करने के लिए मीडिया का सहारा लेने की कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष और संगठन में चुनाव के मद्देनजर हो रही इस बैठक में सोनिया गांधी ने अपनी सुराती टिप्पणी में कहा कि कांग्रेस का हर सदस्य चाहता है कि पार्टी का पुनरुद्धार हो, लेकिन इसके लिए एकता और पार्टी के हितों को सर्वोच्च रखने की जरूरत है। उन्होंने पार्टी नेताओं को आत्मनियंत्रण और अनुशासन का ख्याल रखने को भी कहा। बागी नेताओं के समूह G23 गुट पर परोक्ष निशाना साधते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि मैं एक पूर्णकालिक और व्यवहारिक कांग्रेस अध्यक्ष हूं। मैंने हमेशा स्पष्टता की सराहना की है, मीडिया के माध्यम से मुझसे बात करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आइए हम सभी ईमानदारी चर्चा करें। संगठनात्मक चुनावों और अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर सोनिया गांधी ने कहा कि हमने 30 जून तक नियमित कांग्रेस प्रमुख के चुनाव के लिए रोड मैप को अंतिम रूप दिया था, मगर कोरोना की दूसरी लहर के कारण समय सीमा अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दी गई। आज हमेशा के लिए स्पष्टता लाने का अवसर है। कांग्रेस अध्यक्ष ने आगामी विधानसभा चुनावों का उल्लेख करते हुए कहा कि हमारे सामने कई चुनौतियां आएंगी, लेकिन हम एकजुट रहते एवं अनुशासित रहते हैं और सिर्फ पार्टी के हित पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम अच्छा करेंगे।
और ये बड़ी खबर, पंजाब में कांग्रेस के कैप्टन बने रहेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद वापस लिया इस्तीफा। यहां आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में कांग्रेस के कैप्टन बने रहेंगे। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के विरोध के बावजूद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाए गए सिद्धू ने नए मुख्यमंत्री चन्नी से नाराजगी के बाद इस्तीफा दे दिया था। पंजाब के कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू राहुल गांधी को अपनी चिंताएं बता चुके हैं। हमने उन्हें बताया है कि उनकी चिंताओं का ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने राहुल गांधी को भरोसा दिया है कि उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के रूप में अपना काम करते रहेंगे। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद उनके आवास के बाहर नवजोत सिंह सिद्धू ने पत्रकारों से कहा कि जो भी चिंताएं थी मैंने राहुल गांधी से साझा की है, सब कुछ सुलझा लिया गया है और अब वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे। और ये बड़ी खबर, सिंगू बॉर्डर पर लिंचिंग पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की हाई लेवल मीटिंग। गृह मंत्री से डीजीपी तक सभी को दिए सख्त आदेश। ये आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सिंगू बॉर्डर पर हुई घटना पर चर्चा को लेकर चंडीगढ़ में अपने आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक की, जहाँ पर एक व्यक्ति का हाथ काट कर सबको पुलिस बैरिकेड से लटका दिया गया था। मुख्यमंत्री ने हत्या के दोषियों के खिलाफ सख्त और निष्पक्ष कार्रवाई के आदेश दिए हैं और कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बैठक में गृह मंत्री अनिल विज, राज्य के पुलिस महानिदेशक और अन्य शीर्ष अधिकारी मौजूद थे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस कार्रवाई के लिए सख्त आदेश दे दिए हैं। और ये बड़ी खबर, सिंगू बॉर्डर पर हुई हत्या के मामले में अनुसूचित जाति आयोग का बड़ा ऐलान। कहा प्रदर्शन स्थल पर होने वाली हर घटना के लिए किसान जिम्मेदार। यहां आपको बता दें कि सिंगू बॉर्डर पर हुए नृशंस हत्याकांड पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला ने शनिवार को कहा कि किसान नेताओं ने पूरे तरीके से इस घटना से अपना पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन ये सही नहीं है। अगर आरोपी 10 महीने से उनके साथ धरना प्रदर्शन पर रहे हैं और उनके साथ रह रहे हैं तो वे उसी आंदोलन का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर उन्होंने उसे फांसी पर लटकाया वो भी किसानों के मंच के पास है। वहां जो भी घटना होती है उसके लिए किसान जिम्मेदार हैं। उनकी भूमिका अपराधियों की तरह है। आपको बता दें कि सांपला ने बताया कि सिंगू बॉर्डर हत्याकांड को लेकर दलित समाज के विभिन्न संगठनों से जुड़े लोग आज मुझसे मिले हैं। हम पहले ही डीजीपी हरियाणा और मुख्य सचिव को इस पर सख्त कार्रवाई करने के लिए नोटिस भेज चुके हैं और फैक्स के माध्यम से रिपोर्ट भी मांगी जाएगी। को बता दें कि फिलहाल आयोग ने इस घटना के लिए किसानों को जिम्मेदार ठहराया है। इस मामले में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर लगाया आशीष मिश्रा को बचाने का आरोप। कहा हाईकमान की अनुमति के बिना संभव नहीं लखीमपुर कांड। ये आपको बता दें कि AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि लखीमपुर खीरी हिंसा की घटना में भाजपा आशीष मिश्रा का बचाव कर रही है। उन्होंने कहा कि इसे घटना नहीं कहा जा सकता, ऊपर से अनुमति के बिना कुछ नहीं सकता। आपको बता दें कि उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने निर्दोष सिख किसानों को कार के नीचे रौंद दिया है। ओवैसी ने कहा कि यह एक आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया नहीं थी, यह पूरी तैयारी के साथ किया गया था और हाईकमान की अनुमति के बिना लखीमपुर कांड नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है और कहा कि आशीष मिश्रा को बचाने में बीजेपी का हाथ है। और ये बड़ी खबर, तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कांग्रेस को दिया जोरदार झटका। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जीत के बाद तृणमूल कांग्रेस के दूसरे राज्यों में विस्तार की कोशिशों से कांग्रेस पार्टी नाखुश है। आपको बता दें कि पार्टी का मानना है कि तृणमूल कांग्रेस की इन कोशिशों से विपक्षी एकता की कोशिशों को झटका लग सकता है। कांग्रेस के कई बड़े नेता पिछले कुछ माह में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए हैं। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक पार्टी तृणमूल कांग्रेस के दूसरे राज्यों में विस्तार से ज्यादा नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने से नाराज है। हाल ही में असम की वरिष्ठ नेता सुष्मिता देव और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री अपने समर्थकों के साथ तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए हैं। कांग्रेस पार्टी नेता ने कहा कि सुष्मिता देव से ज्यादा कांग्रेस नेतृत्व को लिंजिनो फ्लेरो को लेकर तृणमूल से नाराजगी है। आपको बता दें कि फिलहाल ममता बनर्जी एक के बाद एक कांग्रेस को कई झटके दे रही हैं। और ये बड़ी खबर, सिंगू बॉर्डर पर मर्डर केस में कोर्ट ने आरोपी सरबजीत को 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा। ये आपको बता दें कि दिल्ली हरियाणा को जोड़ने वाले सिंगू बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन स्थल के मंच के पास एक दलित युवक की निर्मम हत्या के मामले में कोर्ट ने शनिवार को आरोपी निहंग सिख सरबजीत को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। सोनीपत पुलिस ने उसकी 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन 7 दिन की ही रिमांड को मंजूर किया गया। आपको बता दें कि इस जघन्य हत्याकांड के आरोपी निहंग सरबजीत ने शुक्रवार शाम को खुद ही
सोनीपत पुलिस के सामने सरेंडर किया था और अब उसे 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए और किसानों को न्याय मिले तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।